ये देख लो गाइस क्या व्यू आ रहा है, क्या व्यू है। ये अपना पूरा गांव है, तकरीबन हम हजारों फीट। गाइस करते हैं इसको ब्लॉग की स्टार्टिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप हम सब बहुत ज़्यादा अच्छे और मजे में हो गए गाइस। तो गाइस नया दिन नई सुबह न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस यार आप वीडियो पे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा है यार। आप कोई वीडियो तो देखते हो और कोई वीडियो देखते नहीं हो, तो प्लीज़ यार वीडियो तो कम से कम पूरी देखा करो यार। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस थैंक यू, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, दिल से शुक्रिया। आपने मेरे 1K कंप्लीट करा दिए, तो गाइस आपका दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ आज। तो गाइस आज मैं आज कहीं नहीं जा रहा हूँ घूमने घामने, आज बस एक छोटी सी जगह दिखाने वाला हूँ आपको। आज ऐसा इस ब्लॉग में एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ से फिरुमंदारा, ललितपुर और पूरे हमारा पूरा गाँव दिखता है। तो आज फ्रेंड्स हम उसी जगह में जा रहे हैं जहाँ पर दिखता है सारा का सारा मेरा गांव का सीन दिख जाएगा आपको। और ये मतलब हमारा गांव ही है, ये भगवान का मंदिर, ये प्रणाम जी भगवान। तो चलते हैं उस जगह में। आप सोच रहे होगा वो कौन सी जगह है कि जहाँ से पूरा गांव का व्यू दिखता है, तो आप वीडियो में देख लेना आगे। ऐसी है एक जगह जहाँ से पूरे गांव का व्यू दिखता है। तो फिर तो चलते हैं, फिर बस थोड़ी सी दूरी रह गई है वो, और वो गाइस होने वाला है तकरीबन 200 फीट की ऊंची है, 200 फीट ऊंची जगह है वो, और हम उस पर चढ़ने वाले हैं और चढ़ने के बाद वो व्यू देखने वाले हैं। देन गाइस यार आप कोई इसी वीडियो पे अच्छे से रिस्पॉन्स दिखाते हो, कोई वीडियो आप देखते नहीं हो और पता नहीं क्या होता है गाइस मेरे जो चैनल है। बस थोड़ा सा आप बहुत टाइम और करा दो, उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं अपनी जैसा चैनल मोनेटाइज होएगा और मेरी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, मैं बाइक भी चेंज कर दूंगा और अपनी स्पोर्ट बाइक ले आऊँगा। तो गाइस आप देख रहे हो आज हम इस पर चढ़ने वाले टंकी जो, और व्यू आपको पूरा जंगल दिख जाएगा। देन करते हैं अपनी टीना को यहाँ खड़ा और चलते हैं फटाफट से ऊपर। देन गाइस अभी यहाँ पर काम चल ही रहा है, पूरा फिनिशिंग हुआ, तो आप देख सकते हैं ये पूरा बहुत कम से कम 200 फीट ऊंची जगह है ये, और यहाँ पर भी काम चल रहा है। तकरीबन ऊपर का काम तो कंप्लीट हो चुका है, बस खाली क्या रह गया है इसमें, वो रह गया है क्या बोलते हैं बोर होएगा और उसके बाद ये हो जाएगा कम्प्लीट पूरा। फटाफट से चलते हैं गाइस, बहुत संभल के जाना पड़ेगा, बहुत ही ऊँची जगह है ये, काफ़ी ज़्यादा संभल के जा रहा हूँ मैं। हेलो सर, कितना दिन और लगेंगे इसको टंकी को बनने में? भी हो गई पूरा काम फिनिश नहीं है, नहीं हुआ है अभी, नहीं हुआ, थोड़ा साइड दे दो सर। हेलो, 3-4 दिन खाली बोरिंग और क्या क्या रह गया सर? वैसे सर इसका फायदा क्या होता है इसका लगाने से वैसे? हाँ तो ये बात ही सही है। अच्छा इतना फायदा है कि जितने गांव हैं ये आसपास में हैं, इसका प्रेशर अच्छा जाएगा पानी का। अच्छा हाँ यार गांव में बहुत दिक्कत होती है पानी की, बहुत दिक्कत होती है, प्रेशर से पानी जाएगा और किसी के घर पे पैसे नहीं है मोटर लगाने के लिए, नल लगाने के लिए, तो यही पानी जाएगा सबके घर में। अच्छा काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं इसके, बहुत फायदे हैं इसके। और इसको बनने में कितना टाइम लगता है? इसको बनने में 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 4 महीने टोटल? हाँ परमानेंट काम चलता रहा है तो 4 महीने में फंड हो जाएगा। अच्छा इसको तो तकरीबन हो चुके हैं 6 महीने के लेट में हो चुके हैं। काम बंद भी था, हाँ काम बंद भी था, बारिश भी हो रही थी उभरते। हाँ अच्छा चलो मिलते हैं इस तरह। ओके सर, हेलो ब्रो। तो गाइस देख रहे हो आप चल रहे हैं ऊपर धीरे धीरे, तकरीबन 100 फीट से ऊंचे ऊपर आ चुके हैं। और गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, तो आप व्यू देख रहे हो, ये तो नीचे का सीन ही है, पूरा गांव दिख रहा है यहाँ से। गाइस पर
ओके सर। देख रहे हो गाइस बहुत ही ज़्यादा बस तकरीबन 200 फुट ऊंची जगह आ चुके हैं हम और मेरी सांस फूल रही है। भैया ने बोला चप्पल निकाल देना और गाइस फाइनली हम आ चुके हैं उस जगह। देख रहे हो क्या व्यू आ रहा है गाइस। ये हजारों एकड़ का जंगल है और उधर भी गाइस बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है मुझे तो। दिन चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ गांव का पूरा गांव अपना। ये देख रहे हो गाइस क्या व्यू आ रहा है। ये अपना पूरा गांव है। तकरीबन हम हज़ारों फीट नहीं मतलब 200 फीट की तकरीबन ऊंचाई पे हैं और व्यू देख रहे हो क्या व्यू आ रहा है गाइस। यहाँ से पूरा गांव दिख रहा है। अभी तो थोड़ा सा और ऊपर जाने वाले हैं 10 फीट, अभी ये तो नीचे है थोड़ा। और गाइस ये हमने खेत ले रखा है इधर, ठीक है। ये नीचे ये भिंडी वाला खेत है हमारा और ये मेरे चाचा का खेत है। और व्यू देख रहे हो गाइस क्या व्यू, अमेजिंग दिस गाइस। अभी आपको जूम करके नहीं दिखा सकता मैं, कैसे दिखाऊँ आपको। वो जो आप देख रहे हो ना वो दूर, यहाँ से तकरीबन पूरा पिरुमंदारा दिख रहा है, टांडा तक, टांडा पिरुमंदारा, और वो पहाड़ भी दिख रहे हैं ऊपर से। और इधर आपका वो ललितपुर गांव हो गया, उधर ललितपुर दिख रहा है पूरा। देख रहे हो क्या व्यू है। अभी हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, उधर से जाना है थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं 10 फीट और ऊंची जगह में और वहाँ से देखते हैं गाइस व्यू कैसा आएगा। व्यू और अमेजिंग आने वाला है व्यू भाई। डर लग रहा है ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा। चलते हैं ऊपर भाई, मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फट रही है पर हिम्मत करके मैं जा ही रहा हूँ ऊपर। अब देखो गाइस अब क्या व्यू आ रहा है। अरे पानी की स्टोरेज हो गया शायद, क्या पानी स्टोर करने का अंदर। गाइस व्यू गाइस देख रहे हो क्या व्यू है, मतलब अमेजिंग दिस गाइस। ऐसा व्यू कहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए। आप हजारों रुपए खर्च करके जाओगे ऐसा व्यू देखने के लिए। और वो गाइस उधर जो ग्राउंड है ना, जो उधर है वो पेड़ के उधर, वो सीधा वहाँ पर हम क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं शाम को। और ये हमारा जंगल है, तकरीबन हजारों एकड़ में जंगल है। देख रहे हो गाइस क्या व्यू, आसमान का सीन आ रहा है। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ, और वहाँ पर जो है ना, वो वहाँ पर घर देख रहे हो जंगल में, वो गुज्जरों के घर है हमारे। अभी भी वो यहाँ पर नहीं रहते, वो मकान में आके पता नहीं क्या है, क्या बात है उनको, यहाँ पर नहीं रहते वो। और गाइस इतना ज़्यादा डर लग रहा है, आप सोच भी नहीं सकते, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है यहाँ। और गाँव का व्यू क्या व्यू आप। तो प्लीज़ यार कम से कम वीडियो को तो लाइक कर दो यार। मौसम देख रहे हो कितना हसीन हो रहा है। अरे भाई बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। चलते हैं गाइस नीचे। तो देख रहे हो गाइस मैं आ चुका हूँ नीचे अभी, और वो रखी है मेरी चप्पल। भैया ने बोला था कि ऊपर ऐसे मत जाना वरना गिर सकता है तू। और व्यू देख लो गाइस एक बार और, क्या व्यू आ रहा है, मतलब एक नंबर व्यू आ रहा है यहाँ। और गाइस देख रहे हो आप, आपको नीचे भी दिखा देता हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है नीचे देखने में। हम तकरीबन 200 फीट की ऊंचाई पे हैं यहाँ पर। और व्यू देख रहे हो गाइस क्या व्यू आ रहा है, मतलब और मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि बहुत ज़्यादा घबराहट। देन गाइस मिलता हूँ आपको सीधे। और देन गाइस जैसा कि आपने देखा हम ऊपर थे, वो टॉप में बिल्कुल, अभी आपने देखा कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और गाइस मैं आपको अपनी तो बता देता हूँ कि अभी मेरे को शाम को क्या करना पड़ता है। और शाम को आऊँगा गाइस, और फिर अभी यहाँ से तकरीबन ब्लॉकिंग करने के बाद उसके बाद ही भिंडी तोड़नी है मेरे को आगे सीधा। ये अपने ही मतलब अपना तो नहीं है, ठेके में ले रखे हमने खेत भिंडी। अभी तो हमारे पास 1.5 साल के लिए ठेके में ले आए, और अभी भिंडी ला रखी हम देख सकते हो। और अभी आपको पता है कैंच इतनी ज़्यादा लगती है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते। और इसके अंदर हमको भिंडी तोड़नी पड़ती है गाइस, मैं इतने अच्छे घर से नहीं हूँ आप जितना सोचते हुए,
आपकी अच्छे घर से है राजपूत, पर मैं इतना अच्छे घर से नहीं हूँ, अभी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ आपकी। और भिंडी तोड़ते हैं और खेती करते हैं, बाकी घर पे भी मेरा खेत है, वो भी आपको किसी दिन दिखाऊंगा अगर ब्लॉग में टाइम लगेगा तो। आप इतने ये खेत देख सकते हो कि हमने भिंडी लगा रखी है, अभी थोड़ी देर में भिंडी तोड़ने भी आना है, वो क्लिप मैं वीडियो में डाल दूंगा कि कैसे तोड़ते हैं भिंडी। गाइस जैसा आपने अभी देखा क्या व्यू आ रहा था, मज़ा आया नहीं आया गाइस? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आज के ब्लॉग में, और मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था ऊपर चढ़ के, आप सोच भी नहीं सकते हो इतना ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा, पर मैं फिर भी चढ़ गया ऊपर। और मैं एक या फिर दो बार और चढ़ा था और फिर उसके बाद नहीं चढ़ा, जैसा आपने देखा मैं अभी ऊपर चढ़ा और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऊपर चढ़ के, और अंदर से स्ट्रॉन्ग सा फील हो रहा है कि मैं हाँ आज अंदर चढ़ गया, मतलब अंदर नहीं, सॉरी मेरे मुझे क्या निकल रहा है, नर्वस हो रहा हूँ थोड़ा सा, मैं ऊपर चढ़ गया और बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। और गाइस अपने अभी मेरे गांव का नज़ारा देख भी लिया कि कैसा था, कितना प्यारा सा गांव था, और काफ़ी दूर दूर घर घर है हमारे गांव में, अभी जंगल का एरिया ये जो पुराना लाल ढंग था उस समय, जो पुराना लाल ढंग था ना गाइस, उसके बदले में यहाँ ज़मीनें मिली हैं लोगों को, तो इसका नाम है नया लाल ढांग। और देन गाइस चलते हैं आज अपने गाँव के मंदिर में, भी मंदिर है तो भगवान के थोड़े से दर्शन कर जाते हैं, दरबार खुल रखी खड़ी है अपनी प्यारी सी टीना, तो चलते हैं मंदिर के अंदर भगवान जी के भी दर्शन कर ही लेते हैं आज। नल बल है, अरे पानी नहीं है यार हाथ धोने के लिए, अंदर जाए नहीं जाए, चलो भाई मंदिर के अंदर तो चली जाएंगे। ये हमारे गांव का मंदिर है, माता जी को प्रणाम हो, देख लो आप मत्था टेक लो, ये हमारा गांव का मंदिर है, माता जी का प्रणाम माता जी। और ये जैसा आप देख रहे हो ये शंकर जी की और माँ गौरा और गणेश जी भी हैं, और अपने हनुमान गुरु जी, जय हनुमान गुरु जी की, और ये अपने शंकर जय शंभू शंकर की एक मंदिर और है शायद यहाँ, अरे मंदिर नहीं है कावर है यहाँ। और इधर आप हवन करा सकते हो इधर, तो माता जी हमारी एक मनोकामना पूरी कर दो, हमारा चैनल मोनेटाइज करा दो। तो गाइस मैं फटाफट से यार आपकी भी सपोर्ट चाहिए थोड़ी सी, और माता रानी की सपोर्ट चाहिए कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, जय माता दी। देन गाइस मिलता हूँ सीधा आपको मोटो ब्लॉगिंग में। देन गाइस कैसा लगा आपको मेरे गांव का जो व्यू था, वो आपको मैंने पूरा गांव दिखाया, ऊपर चढ़े टंकी में चढ़ा, तकरीबन 200 फीट की ऊंचाई पे चढ़ा, और अपने गांव का मंदिर भी दिखाया, और ये हमारा गांव ही है। तो तकरीबन आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट ज़रूर करो। और गाइस मैंने इतना ज़्यादा रिस्क लिया, बोलने भी नहीं जा रहा मेरे से, मैं अभी बहुत ही ज़्यादा नर्वस महसूस कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है अंदर से बहुत ही ज़्यादा, मैं इतनी ऊपर चढ़ा, और मैं गाइस चढ़ा नहीं था खाली, बस थोड़ा सा ऊपर तक जाता था और मेरे को डर लगता था बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए मैं ऊपर भी नहीं चढ़ता था, और उसके लिए फिर मैं आज ऊपर चढ़ा और व्यू देखा, और मेरे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आज ऊपर चढ़ गया। देन गाइस हो जाए फिर अपनी पिरमदारा तक की एक छोटी सी राइड फटाफट, देखते हैं आज अपनी टीने कितनी भागती है 70, देखते हैं गाइस। और थोड़ा सा तेल भी भराना है इसमें, तेल भी खत्म हो चुका है, 70 72 75 गई, 80 होने वाली है, 80 हो गई है, ऊपर जा रही है 80 से भी सुई, 90 अब नहीं चला रहे यार टीना को, ज्यादा तेज नहीं चला रहे राइड में, छोटी छोटी मिनी राइड भी होनी चाहिए ब्लॉग में, करने मज़ा नहीं आता बिना राइड के, तो आज से आज गाइस हमने ऐसे ऐसे व्यू देखे, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया व्यू देखने में। और ये गाइस हमने हिम्मतपुर आ चुका है, और हम थोड़ा सा जाएंगे पेट्रोल पंप में थोड़ा सा फिलअप कराना है, और उसके बाद सीधा निकलेंगे घर,
और गाइस मैंने अभी तक अभी स्कूल से आकर खाना भी नहीं खाया। पहले अपनी एलसीडी सही कराने के लिए गया था, हमारी एलसीडी टूट गई है, टूट गया गई गाइस मेरे से ही ना, दीवार में लगी थी, मैं उसको उसमें प्लग लगा रहा था और हैंग कर रही हो, पता नहीं गाइस क्या हुआ, अचानक से पट देसी नीचे गिर गई। वो तो अच्छा उसकी स्क्रीन नहीं टूटी, खाली ऐसी टूट गए, थोड़ा सा अंदर पंजा ढीले हो गए उसके। अब मैं देखे तो आया हूँ मिस्त्री अंकल को, अब पता नहीं कब तक सही करते हैं, बोल रहे थे उसमें 2-3 हज़ार रुपये लगेंगे सही हो जाएगी। मैंने कहा कर दो यार, हमारा 15-16 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा वरना अगर ये सही नहीं हुई तो। और मम्मी ने इतना ज़्यादा डाटा गाइस मेरे को, बहुत ही ज़्यादा डाटा। तो गाइस यार आप कमेंट में ज़रूर करो आपको व्यू कैसा लगा, और आप और ये भी बता देना कि मेरे को आपको अगर वो चाहिए राइड की वीडियो तो वो भी आपके लिए लेके आ जाऊंगा। और अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं चैनल मोनेटाइज होने का, उसके बाद हम सीधा राइडिंग में ही निकल जाएंगे। यहाँ की मतलब पूरे अपने पूरे प्यारे से उत्तराखंड की राइड, वो जो उत्तराखंड है अपना, उसकी पूरी राइड करेंगे और घूमेंगे उत्तराखंड। हम घूम ही नहीं सकते, तकरीबन हमको 1 साल लगेगा उत्तराखंड घूमने में, इतनी प्यारी प्यारी जगह है उत्तराखंड में, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी जगह है। और उत्तराखंड इतना ज़्यादा प्यारा है आप सोच भी नहीं सकते हो, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है अपना उत्तराखंड। और गाइस मैं खैर पहाड़ी तो नहीं हूँ, परदेशी हूँ, पर हाँ गाइस इतना है कि मैं उत्तराखंडी हूँ, उत्तराखंडी हूँ गाइस, मैं उत्तराखंड में रह रहा हूँ तकरीबन, मेरे को मेरा जन्म तो यहीं के है, 17-18 साल होने वाले हैं यहाँ पर रहते रहते। हम पहले प्लेन्स में रहते थे यूपी साइड, और उसके बाद यहाँ आ गए थे, क्या बोलते हैं रामनगर, अपने मेरे दादा ने उनको बुला लिया था यहाँ। दादा तो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, तकरीबन 25-26 साल हो गए उनको, पता नहीं यार कब से रह रहे हैं मुझे नहीं पता, पर हम नीचे अपने गाँव में रहते थे और उसके बाद फिर यहाँ आ गए। तो फिर अब मेरे को मेरा जन्म तो खैर यहीं हुआ, पर मैं देसी हूँ, पर ये है गाइस मैं उत्तराखंडी हूँ, इतना है, हाँ उत्तराखंड में रहता हूँ, जन्म भी मेरा यहीं की है, अपनी देवभूमि है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में ना घूमने में अलग ही मज़ा आता है, पहाड़ों की राइड में अलग ही मज़ा आता है। तो मैं वीडियो में लिंक दे दूँगा जब हम पहाड़ में गए थे। देन गाइस उससे पहले क्यों ना अपना थोड़ा सा पिरुमदारा घूम ले जाए, तो गाइस मैंने सोचा ब्लॉग समाप्त नहीं करता यार अभी, नहीं थोड़ा सा पिरुमदारा घूम ही लेता हूँ जब आया हूँ तो आपको भी घुमा ही देता हूँ। पिरुमदारा का कितना प्यारा सीन है अभी यहाँ पे घर बनने, और आप पिरुमदारा का व्यू देख सकते हो। ये पिरुमदारा जहाँ पे हम चढ़े थे गाइस अभी 200 फीट ऊंची जगह पर, वहाँ से पूरा पिरुमदारा दिख रहा था अपना, आहा कितना मज़ा आता है यहाँ गलियों में घूमने के लिए पिरुमदारा में। गाइस मैं तो लालडांग में कहता हूँ खैर यहाँ घूमने के लिए आता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिटी है पिरुमदारा भी, सिटी बन रही है, विकसित हो रही है धीरे धीरे, और ये टंकी उंकी सब दिख रही थी अभी पूरी। देन गाइस यार अभी ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं है। देन गाइस कैसा लगा आपको आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देन गाइस मैं जाता हूँ सीधा अपने घर।